जय हिंद बच्चों, मैं परवीन मिश्रा कक्षा 6 के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले पिछले क्लास में मैं प्रेरक प्रसंग पढ़ा रहा था, उसी का शेष भाग मैं लेकर आया हूं। लेकिन आज उसका शीर्षक कुछ अलग है। आइए देखते हैं शीर्षक क्या है। 40 करोड़ कुर्ते। आप समझ ही गए होंगे, 40 करोड़ का मतलब संख्या से है और कुर्ते का मतलब कुर्ते से है। तो आइए सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं वो प्रेरक प्रसंग किनके बारे में है और उससे क्या शिक्षा मिलती है। यह प्रेरक प्रसंग जो है गांधी जी के बारे में है। गांधी जी से मिलने एक बच्चा आया, उसने उन्हें कुर्ता न पहने देखकर पूछा, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने उत्तर दिया, बेटा मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो कुर्ते सिलवा सकूं? बच्चे को बापू पर तरस आया, वह बोला, बापू मेरी माँ कपड़े सिलती हैं, आपके कुर्ते मैं उनसे सिलवा कर ला दूंगा। बापू बोले, बेटा जितने कुर्ते की मुझे आवश्यकता है तुम्हारी माँ नहीं सिल पाएंगे। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं सिल पाएगी बापू? आखिर आपको कितने कुर्तों की आवश्यकता है, 1, 2 या 3? बापू ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, बेटा इस देश में 40 करोड़ लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास कपड़े नहीं है, उन सब के लिए भी तो कुर्ते चाहिए। उनके नंगे रहते भला मैं अकेला कपड़े कैसे पहन सकता हूं? सारा देश ही तो मेरा परिवार है। ऐसे थे हमारे बापू, जब देश की अधिकांश जनता को पहनने के लिए कपड़े न मिलते हों तो वे अकेले कपड़े कैसे पहन सकते थे? जनता के सुख दुख को वे अपना सुख दुख समझते थे। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारे देश के बारे में ही सोचते थे, अपने देश के बारे में ही सोचते थे। आशा है आपको ये कहानी, ये प्रेरक प्रसंग समझ में आ गया होगा। और कहानी समझ में आ गया होगा, प्रेरक प्रसंग समझ में आ गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इससे क्या सीख मिलती है। इस प्रेरक प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों के सुख दुख में भागीदार होना चाहिए, दूसरे के सुख दुख को भी देखना चाहिए। तो आइए कुछ इसी प्रेरक प्रसंग से कुछ प्रश्न हैं, उनके प्रश्न, उन प्रश्न को आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, गांधी जी को कुर्ता ना पहने देखकर बालक ने उनसे क्या पूछा? प्रश्न को फिर एक बार जान लीजिए, दोहराते हैं। गांधी जी को कुर्ता ना पहने देखकर बालक ने उनसे क्या पूछा? तो आपको संक्षेप में उत्तर बता देते हैं कि उस बालक ने उनसे पूछा, कहा कि बापू आप कुर्ते क्यों नहीं पहनते। दूसरा प्रश्न है, तब गांधी जी ने बालक को क्या उत्तर दिया? गांधी जी ने उस बालक को उत्तर दिया कि मेरे एक कुर्ते पहनने से क्या हमारे देशवासी जो 40 करोड़ हैं उन सबको कुर्ता मिल पाएगा? नहीं। तो मेरे पास जरूरी है कितने कुर्ते की? 40 करोड़ लोगों की, लोगों के पहनने के लिए कुर्ते की जरूरत है। मैं एक अकेला पहन लूंगा और मेरे देश के वासी जो हैं नंगे रहेंगे तो भला क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। आपको अपने उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में इसको लिखना है और अच्छे से इस प्रेरक प्रसंग को अपने मानस पटल पर स्थित कर देना है। धन्यवाद।